ये लीजिए, क्या करेंगे मेरे को लेके? रूही कहाँ जा रही हो? बच गई, बच गई। नौटंकी कर रही गिरने का। हाँ ए रूही, क्या बाइक से खेल रही है? बाइक से तो शौक है, मेरी सिस्टर चली गई, बहुत दुख हुआ। एक तो आती है 2 महीने 3 महीने में आती है कभी कभी, उसमें से भी होली में आई फिर चली गई, बहुत दुख हुआ। हम लोग जब छोटे छोटे से थे, जैसे मेरे बहन कुछ भी गलती करती थी तो मैं उसको मारता था, बहुत मारता था। उस समय मैं ब्लॉक शूट भी नहीं करता था, वही बचपन के वो यादें बन के एक रह जाती। बहन गई तो था, आँख में आंसू आ गया, बहन एक मेहमान की तरह हो गई, आएगी 1 घंटा 2 घंटा और 1 दिन 2 दिन के लिए आती है, चली जाती है। आती है तो हंसने लगते हैं और जाती है तो सभी के सभी रोने लगते हैं, तो दुख होता है। बहन जाती है तो आती है तो अच्छी लगती है, मगर दुनिया का दस्तूर है, आखिर सबको ना सबको एक दिन जाना ही है शादी होके। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको भी पालना पोसना है, शादी करके उनको भी आने वाले वक्त में भेजना है। तो अभी जो मेरे पापा फील किए हैं वो मैं अभी से फील करता हूँ कि मेरी बहन आती है चली जाती है, रुला के चली जाती है, वो रहती है तो सब लोग कितना खुश रहते हैं, सब लोग हंसते हैं। और मेरी दोनों छोटे बच्चे दिन भर बुआ 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 करते रहती, बुआ ये खाऊंगी, बुआ वो खाऊंगी, अब चली गई। तो दोनों छोटी बच्ची भी रोने लगी ना, बड़ी वाली भी बेटी रही थी रो कि बुआ मत जाओ मत जाओ, मगर ससुराल है तो जाने ही, मायके में कितना दिन है, 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन रहती है, सब चले जाते हैं। मेरी बेटियाँ, मैं भी शादी करूँगा, ऐसे वो भी हो जाएंगे, मैं तो जब बुढ़ा हो जाऊँगा यही सब वीडियो को देख के मेरे को वो सब दिन याद आएगा, बहन का, मेरी बेटी, में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मजा आता है। दुख भी बहुत होता है, बहन जाती है अपने ससुराल हम लोग को छोड़ के, हम लोग रहते थे एक जगह, रहते थे खाते पीते लड़ते थे झगड़ते थे, मेरे को ही बहुत मारती थी वो, छोटा पकड़ पकड़ के मारती, बहुत लड़ती थी। छोटा ला तो उतना लड़ता था नहीं, दोनों का पट्टी खाता था। अब घर में मैं ही सबसे बड़ा हूँ तो मेरे से ज्यादा उसका होता था झगड़ा, कुछ भी बात पे वो मेरे को मारती थी, मैं उसको मारता था, बहुत लड़ते थे। एक दूसरा भी थी मेरी बहन, तो मेरी बेटिया के लिए गई स्कूल में, पता कि मेरे को कितना अच्छा लगा, हर चीज़ वो जानती है तो पता कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो चली गई। अब मेरे को भी पता करना पड़ेगा, अभी पापा के साथ रहता हूँ तो मेरे को उतना कोई समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बहन बोल रही थी एक अच्छा स्कूल था, भर गए थे पूरा, रेलवे के बच्चे भी भर गए थे, बोला एक भी सीट खाली नहीं, कई जगह पता कि अब डिसाइड करेंगे, अभी और भी जाएंगे पता करने के लिए, पापा जा रहे छोड़ने के लिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, कुछ वजह है वो बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ कुछ काम से एक ऑफिस में, ये रहा कुछ छोटा सा प्यारा सा ऑफिस का मैं रिव्यू देता हूँ। यहाँ पे एसी लगा हुआ है जो मैं ठंडा ठंडा लगता है, मज़ा आता है। और ये छोटा सा ऑफिस है ये अपना, ये हमारा नहीं दूसरे का, मैं जिस जगह कुछ काम से आया हूँ छोटा छोटा सा मिनी ब्लॉग शूट कर लूँ। ऑफिस को नज़ारा अच्छा लगा और ऊपर में जस्ट झालर लगा हुआ है, काफ़ी इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है, मज़ा आता है देखने में, छोटा सा प्यारा। और ये है गौ माता, बहुत प्यारा है वो, उसकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है जैसे मेरी बच्ची है, बहुत मज़ा आता है। ऑफिस में बैठा है मैं, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और अंदर में आने गर्मी लग रहा है, बाहर में हल्का भी अभी वर्षा हुआ है, घर आ गए हैं और आते साथ में गोदी में चढ़ गई है, एंड किचन का भी सफाई हो रहा है और बहुत ज्यादा ही बिजी है इसी वजह से वीडियो शूटिंग है। अब पूरा ऊपर में सामान रखा हुआ था, पूरा सामान को नीचे उतार दिया है, और कितना बड़ा बड़ा तसला है, ये रश्मि जी ये लीजिए क्या करेंगे मेरे को लेके? पूरा भरता नहीं मैं नहीं लूंगी, चलो 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 उसको टांगो तो जल्दी से, टांगिए ना उसको, पूरा बर्तन जमाई चकाचक चमक रहा है यार, झक्कास लग रहा है, उठो उठो पापा इसको रखे।
करती है भाई, बैठ बैठ के पूरा। नहीं बेटा नहीं करो ना, साथ में रहो, इधर दूसरा सुना। ये लीजिए। रखिए रखिए ना उधरी। अंदर चार कर ले, बुआ निकल रहा हूँ। रखिए ना वैसे ही, ये तो भारी है ये वाला। लीजिए भारी है ये वाला। सब प्लास्टिक और स्टील वाला बर्तन सब उसी में रख दी हूँ, यूज करेंगे इसे ले ढक के रख दी हूँ। अगर हम साफ रखेंगे हो गया हो गया, बहुत ज्यादा बर्तन हो गया था, थोड़ा सा इधर का और सफाई बचा है बस। देखो ये देखो पानी, क्या क्या निकाल ली बेटा, ट्रे काम का है, वो वाला काम का नहीं है, ये वाला, ये जो हाथ में पकड़ी हो वो खेलेगी तो पूरा करेगी।